मिंजास में अभी अभी आई थिंक हमारे पास 5 या 6 ओपन पोजिशन हैं जिसके लिए हम हायर करने की कोशिश कर रहे हैं. हम 1 to 2 पीपल वी आर लुकिंग इन रिएक्ट नेटिव, तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बेसिकली हमें चाहिए 1 लोग, और उसके अलावा बाकी लोगों में वेब डेवलपमेंट में चाहिए, फ्रंट एंड में भी चाहिए, बैक एंड में भी चाहिए. फुल स्टैक होगा तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर तुम फ्रंट एंड में ज़्यादा अच्छे हो तो यू कैन स्टिल अप्लाई, बैक एंड में बहुत स्ट्रांग हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो. Hey guys, अंकुश दिस साइड. एंड यार हमने आई थिंक लास्ट वीक या उससे पिछले वीक हमने एक वीडियो बनाई थी विच वॉज अबाउट इंटर्नशिप्स अवेलेबल एट कोडिंग इंडियाज, है ना. तो बहुत ही मजा आया मुझे वो वीडियो करके, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट वी गॉट. व्यूज जो आए वो तो चलो ठीक है, बट बहुत ही अमेजिंग लेवल ऑफ एप्लीकेशन आई, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ एप्लीकेशन भी आई. आई थिंक हम बहुत जल्दी कुछ कुछ इंटर्न्स को क्लोज भी कर पाएंगे उससे, ठीक है. सो इस वीडियो में आई वॉन्टेड टू मूव 1 step अहेड, एंड आई वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है कोडिंग निंजास में अभी. एंड वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू अप्लाई फॉर दैट एंड सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड, राइट, लाइक एक स्टार्टअप है जो एडटेक स्टार्टअप है उसमें किस किस टाइप के रोल्स अवेलेबल होते हैं. अगर तुम अभी अप्लाई नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि क्या क्या रोल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसको जिसके लिए तुम सोच सकते हो कि मैं इसके अकॉर्डिंग तैयारी करूँ, ठीक है. सो आई टॉक अबाउट ऑल द जॉब ओपनिंग्स दैट वी हैव राइट नाउ एट कोडिंग निंजास, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड there is going to be a form in the description, please fill that form and right, so let's start. Bahut different type ke roles hain, so we will talk about technology team mein hai, right, web developers chahiye, react native developers chahiye, so we have roles in technology team. Then technology related roles, right, like in the sense ki product management roles, ya fir hamara design team jo UI UX team hai uske andar roles available hai. उसके अलावा कंटेंट टीम के अंदर भी फुल टाइम रोल्स अवेलेबल हैं, जहां पर बेसिकली लोग नए कोर्सेज पे काम कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग कोर्सेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक सो वी हैव कॉन्टिन्यूसली वी वर्क ऑन इम्प्रूविंग द करंट कॉन्टेंट, क्रिएटिंग न्यू कॉन्टेंट, तो उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, तो कॉन्टेंट टीम के अंदर भी बहुत सारी रोल्स अवेलेबल हैं. फिर उसके बाद हमारे पास अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग में, डिज़ाइन सेंस में, उस सेंस में अगर तुम्हें मज़ा आता है तो वो रोल्स भी अवेलेबल हैं. कंटेंट मार्केटिंग में भी अवेलेबल है. कंटेंट मार्केटिंग का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि तुम्हें कंटेंट प्रोड्यूस करना है, टेक्निकली कंटेंट है बट हो सकता है वो ब्लॉग के लिए हो, या फिर हो सकता है कि वो हमारी वेबसाइट पे किस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है, सोशल मीडिया पे हम क्या चीज़ें लिख रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है. सो इट्स स्टिल टेक्निकल इन नेचर कि तुम्हें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बट वो रोल भी अवेलेबल है. सिमिलरली बहुत सारे बिजनेस रोल्स भी अवेलेबल हैं. तो हम सब की बात करेंगे, तुम्हें टाइमलाइंस दी हुई होंगी नीचे, तो तुम्हें अगर स्पेसिफिक रोल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम अकॉर्डिंगली वहाँ जा सकते हो, ठीक है. बट स्टिल माय रिकमेंडेशन इज एंड तक रुको, एंड तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं, कितना डिफरेंट टाइप का काम हो रहा है इन द कंपनी. आई थिंक बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होगा. ओके परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट रोल आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद इज सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स, राइट. बहुत सारी हायरिंग हो रही है अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दीज पीपल? मिक्स है इन टर्म्स ऑफ कितने हमें लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, कितने लोग जिसका एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो चल जाएगा. सो अगर एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई करो, एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई करो फॉर दिस रोल. बट तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हारा स्किल सेट क्या होना चाहिए? एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट आना चाहिए. अगर रिएक्ट नेटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो पहले से आना चाहिए. रिएक्ट नेटिव वाले रोल के लिए यू कैन स्टिल अप्लाई अगर मोबाइल एप्लीकेशन लाइक तो एंड्रॉयड में बहुत अच्छे हो या iOS में बहुत अच्छे हो, दैट इज ओके. सिमिलरली फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग फ्रंट एंड पे एंगुलर यूज करते हैं और हम लोग बैक एंड पे रूबी ऑन रेल्स यूज करते हैं. बट अगर तुम्हें नोड JS आता है या फिर तुम रिएक्ट में काम करते हो फ्रंट एंड पे, तो ऑल दैट इज ओके. इवेंचुअली कंपनी में आके तो एंगुलर और ROR पे काम करना पड़ेगा, रूबी ऑन रेल्स भी काम करना पड़ेगा, बट वी एज्यूम कि अगर आपको वो बहुत अच्छे से आता है तो यू विल बी एबल टू लर्न एंड सॉर्ट ऑफ अडैप्ट टू दीज न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल. सो दैट्स नॉट अ बार. वेब डेवलपमेंट आना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी में आता हो, वी आर ओके विद दैट, बट वो अच्छे से आना चाहिए. प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है तो प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट हियर. एज आई सेड, जीरो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो ओके, कुछ रोल्स हैं उसके लिए. एंड 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी प्लीज अप्लाई करो, उसके लिए भी हमारे पास रोल्स अवेलेबल हैं इन द टेक्नोलॉजी टीम. सो दिस इज अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रोल्स इन द कंटेंट टीम. सो वहां पर हमारे पास रोल्स हैं
for a content associate and a senior content associate. What this means is that as a content associate, what you will be doing, यार हम कोई भी नया कोर्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती है, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बना के उन सब लोगों से फीडबैक लेके फाइनली हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें कैसा कॉन्टेंट बनाना है। उसके बाद भाई या तो एक इंटरनल बंदा होगा जो वीडियोज़ बनाएगा, कॉन्टेंट क्रिएट करेगा, या फिर अगेन इंडस्ट्री में से कोई एक्सपर्ट ढूंढेंगे जो कॉन्टेंट प्रोड्यूस करेगा। सो उनको मैनेज करना, मेकिंग श्योर दैट हाई क्वालिटी वीडियोज़ आ रही हैं, उनको फीडबैक देना, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रोल इज कि तुम बहुत ज़्यादा सीखोगे। मतलब 3-4 महीने के अंदर अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ पिक की, लेट्स से हम एक नेक्स्ट कोर्स बनाते हैं डेटा एनालिटिक्स पे, 3-4 महीने में तुम डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। जस्ट बिकॉज पढ़ना एक चीज होती है, बट पढ़ाने के हिसाब से जब तुम सीखते हो तो तुम्हें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, तो तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे उसके अंदर। ठीक है, सो बहुत ही अमेजिंग रोल है ये भी, और मुझे लगता है कि काफी मजा आएगा काफी लोगों को ये करने में। सो कॉन्टेंट एसोसिएट एंड सीनियर कॉन्टेंट, सीनियर कॉन्टेंट वाले में आइडली कॉन्टेंट के अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से। दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल इन नेचर एज वेल बोथ दीज रोल्स, सो प्लीज अप्लाई अकॉर्डिंगली। स्किल सेट क्या चाहिए? बेसिक बीइंग एबल टू थिंक कि यार पढ़ाने के लिए क्या अच्छा है, इसके बाद मेरे को असाइनमेंट देनी चाहिए, क्वेश्चन देने चाहिए, लाइक ये बेसिक प्रोसेस हम अपने दिमाग में कर पा रहे हैं कि इफेक्टिव लर्निंग कैसे कर पाएंगे, ताकि जो जो भी बंदा हमसे सीखे वो बहुत अच्छे से सीखे और आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मशीन लर्निंग सीखने के लिए सीख ली बट एंड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एंड में वो प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पा रहा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि एंड में बच्चे को ये लगे जो भी हमसे सीख रहा है कि भाई अब तो मेरे को बहुत सही तरीके से, मैं सीख चुका हूं बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे आता है। ठीक है, सो टेक हो गया, कंटेंट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक के अराउंड कुछ और रोल्स होते हैं विच आर नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मोस्टली कंपनीज के अंदर विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोडक्ट मैनेजर इज पर्सन हु इज मैनेजिंग द प्रोडक्ट। दैट मीन्स उसको देखना होता है कि यार जो भी हमारा करंट प्रोडक्ट है उसमें क्या इश्यूज हैं, हमारे यूजर को और क्या चाहिए, हमारे यूजर को कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें एक नया बिजनेस गोल है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए अगर स्क्रैच से बनाना है तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल होता है। यू हैव टू क्लोजली वर्क विद टेक्नोलॉजी टीम बिकॉज बनवाना भी है तुम्हें, है ना, बट तुम्हें साथ साथ बिजनेस एंगल भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम कुछ बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, राइट, और वो जो बन रहा है वो कैसा बनेगा। वो बहुत ही अमेजिंग रोल होता है। वी डू हैव टू ओपनिंग्स फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स एज वेल, सो इफ दिस इज ऑफ इंटरेस्ट, पहले से अगर कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किया है तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इंटरेस्टेड हो तुम तो तुम अप्लाई कर सकते हो इस रोल के लिए भी। ठीक है, अगेन अनदर रोल विच इज वेरी क्लोज टू टेक्नोलॉजी बट नॉट एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर इज अ UI UX डिजाइनर। सो वी हैव मल्टीपल ओपनिंग्स इन दैट एज वेल। UI UX के अंदर तुम्हें क्या करना है, क्या होगा, देखो प्रोडक्ट वाला बंदा बोलेगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए मेरे को ये कुछ फ्लो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए, कुछ कुछ उन्होंने बेसिक लेवल ऑफ चीजें डिफाइन कर दी। अब UI UX वाले बंदे को ये जो थॉट प्रोसेस है इसको एक्चुअल रियलिटी बनाना है कि वो दिखेगा कैसा, वो फील कैसा होगा, है ना, वो पूरा का पूरा काम UI UX डिजाइनर्स करते हैं। सो तुम्हें वो पूरा का पूरा डिजाइन करना होगा, एंड डेफिनेटली यहां पर थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस, मे बी नॉट इन अ जॉब बट लाइक कुछ पोर्टफोलियो तुम्हारा होना चाहिए, तुमने कुछ डिजाइन वर्क किया हुआ है, तभी आई थिंक ये रेलिवेंट होगा तुम्हारे लिए, एंड यू शुड अप्लाई ओनली इन दैट केस। ओके, सो ये हमारा हो गया UI UX। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है विच इज आई वुड से सॉर्ट ऑफ टेक्निकल बट अ लॉट ऑफ मैनेजेरियल वर्क एज वेल। सो हमारे जो ब्लॉग्स हैं, राइट, वी नीड समबडी हु इज गोइंग टू कंप्लीटली लीड दैट इनिशिएटिव। इस साल के अंदर मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम 4000 से 5000 बहुत हाई क्वालिटी ब्लॉग्स बना रहे होंगे, ठीक है, विच विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ करियर एडवाइसेस, विच विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ टेक्निकल कॉन्टेंट। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि थोड़ा सा टेक्निकल भी है और काफी मैनेजेरियल भी है, बिकॉज तुम्हें एक लार्ज टीम के साथ काम करना पड़ेगा वो ब्लॉग्स बनाने के लिए। ठीक है, सो दैट इज अनदर रोल विच इज
टेक्निकल ब्लॉग के लिए बेसिकली हमें एक कॉन्टेंट पर्सन चाहिए. सो दैट इज समथिंग दैट इज अनदर रोल दैट इज अवेलेबल टू अस. ओके, और क्या है? और एक रोल है फॉर वीडियो एडिटर्स, राइट? सो बहुत सारा कॉन्टेंट हम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे वीडियोज हम रिकॉर्ड करते हैं. वी नीड पीपल हु आर एडिटिंग दोज वीडियोज, मेकिंग श्योर दैट वो इंटरेक्टिव है. बीच में कहीं कहीं पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशन लगानी है, मेकिंग श्योर की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द वीडियो कॉन्टेंट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इज अमेजिंग. दैट इज अनदर रोल दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटर्स. ओके ओके, खत्म नहीं हुआ अभी, और भी रोल्स हैं. अब इसके बाद सो जो ये सारे रोल्स थे ना, ये या तो टेक्निकल थे या फिर थोड़े से ग्राफिक डिजाइन की साइड जा रहे हैं, जैसे ये वीडियो एडिटर वाला हो गया, राइट? लाइक या फिर बेसिकली कंटेंट के अंदर है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर थे, राइट? लाइक सो और रिलेटेड टू दैट. अब बहुत सारे बिजनेस रोल्स भी अवेलेबल है. मतलब फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू और थ्री ओपनिंग्स ऑफ कैंपस ग्रोथ मैनेजर्स. वट दैट मीन्स इज दैट देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री से भी आते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कैंपसेस से आते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, है ना? तो कोडिंग निंजास, वी वांट टू मेक श्योर दैट यार हमारे पास इतना बच्चा आ रहा है, इतना अच्छे से सीख पा रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया जॉब्स निकाल पा रहा है, तो वी शुड बी एबल टू रीच आउट टू दीज कैंपसेस एंड मेक श्योर दैट उस कैंपस के अंदर लोगों को एटलीस्ट हमारे बारे में पता है, राइट? दे शुड नो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट कोडिंग निंजास इज प्रोवाइडिंग. दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि यार हर एक कैंपस के अंदर हमारी ब्रांड प्रेजेंस होनी चाहिए, लोगों को हमारे बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट समथिंग दैट दीज कैंपस ग्रोथ मैनेजर्स विल डू. नाउ दिस इज अ कंप्लीटली बिजनेस रोल, इन द सेंस दैट कुछ कॉलेजेस का टारगेट होगा, तुम्हें उन कॉलेजेस के साथ काम करना होगा, वहां पर कैंपस एम्बेसडर्स हायर करने होंगे, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना होगा, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद कॉलेजेस, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दोज रिलेशंस. मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल होगा. अगेन कैसे बंदे को करना चाहिए? तो आई वुड से थोड़ा सा वैसा बंदा जो कि wants to like go out, likes to sort of talk to a lot of people, likes to think of business, right? Like so strategy perspective सोचना होगा काफी हमें. Ideally इसमें भी हमें 2 या 3 साल का experience चाहिए. So अगर तुम्हारे पास relevant experience है और this is sounding interesting to you, please apply for these roles as well. इसके अलावा there are bunch of roles in the sales team, there are bunch of roles in the marketing team, there are bunch of roles in the what I say is like a B2B sort of roles as well, where you have to talk to colleges and like try to find out like if they have any need of a training provider or a course provider or content provider like us, who can sort of make sure that college में जो वो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, but साथ साथ ये जो skills हैं, जो additional skills हैं, उनको एक partner हमारी तरफ से मिल जाए, right? So these are all sort of roles that are available in the business side of things as well. तो तुम देख रहे हो कितनी सारी ओपन पोजीशंस हैं जो कि एक स्टार्टअप के अंदर होती हैं, जो स्टार्टअप को कितना सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है. सो इस वीडियो के 2 एस्पेक्ट थे. एक तो मैं यही चाहता था कि तुम्हें समझ में आए कि यार कितना कुछ चल रहा है, कितना सारा काम कर रहे हैं और किस किस टाइप के रोल्स अवेलेबल हैं, किस किस टाइप के अलग अलग तरीके का काम कंपनी में अभी करंटली हो रहा है. सेकेंडली डेफिनेटली वॉन्ट दैट अगर तुम में से कोई यार वर्थ है, लाइक यू थिंक यू हैव द राइट स्किल्स, तुम में से किसी को लगता है कि यार आई एम टोटली वर्थ इट एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू फिल दिस रोल एंड आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हेयर, तो यार डेफिनेटली दैट्स अ विन विन फॉर यू एज वेल एज कोडिंग निंजास, बिकॉज हमारे लिए हायरिंग आसान हो जाएगी और तुम्हें जॉब मिल जाएगी. तो इफ दिस इज ऑफ इंटरेस्ट प्लीज अप्लाई एंड यू गाइज आर आर ऑडियंस, राइट? लाइक यू आर द वन जिनके साथ हम इतना रेगुलरली बात करते हैं, तो अगर हमारे पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले तो हम चाहते हैं यार तुम लोगों के थ्रू ही फिल हो जाए, है ना? सो प्लीज डू अप्लाई. थैंक यू सो मच. होपफुली जैसे वो इंटर्नशिप वाली वीडियो से हमें इतनी अमेजिंग एप्लीकेशन आई, आई होप विल गेट टू सी अमेजिंग पीपल कमिंग इन फ्रॉम दिस एज वेल. एंड अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको अप्लाई करना चाहिए, तो प्लीज उनको कॉमेंट्स में टैग करो या उनके शेयर करो ये वीडियो. एंड आई होप तुम्हें कुछ लोगों को जॉब मिल जाए और हमें कुछ लोग मिल जाए, बहुत ही अमेजिंग लोग जो हमारी हायरिंग को आसान कर दें. ओके, थैंक यू, बाय.